पहल का न्यूज इंडिया, सच्ची पत्रकारिता। जनरल हॉस्पिटल में और सिटी जनरल हॉस्पिटल के साथ बोईसर स्थानिक रिक्शा ऑटो यूनियन और मोटर व्हीकल यूनियन प्लस लेबर यूनियन के साथ में हम लोग ने बोईसर की जनता के लिए एक फ्री मेडिकल चेकअप का कैंप का आयोजन किया था। उसमें काफ़ी लोगों ने चेकअप करवाया है और बोईसर की जनता के लिए ये काफ़ी अच्छा रहा और लोगों ने अच्छा उसको अप्रिशिएट किया। सिटी जनरल हॉस्पिटल में हमारे पास सभी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, ऑर्थोपेडिक है, फिजिशियन है, सर्जन है, डेंटल है। ठीक है, मैं इनका चेक कर रही हूँ। इनका कंप्लेन है कि इन्होंने कैब कराया था रूटीनल ट्रीटमेंट करने के बाद। काफी टाइम हो गया, 6-7 ईयर्स हो चुके हैं। उनको लग रहा है कि उनके कैप में कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं वही चेक कर रही हूँ कैप में उनको कुछ प्रॉब्लम है या नहीं। ठीक है, उनका ये प्रॉब्लम है कि कैप उनका खराब हो गया, उनको रिप्लेस करना है। आज सिटी जनरल हॉस्पिटल में हम लोगों ने डीआईएफ है, लोकल रिक्शा में कामगार मजदूर यूनियन, उनके साथ एक कैंप लिया। जब हर्षद लोखंड ने मुझे कंसेप्ट बताया, बहुत अच्छा था कि कैंप तो लिया जाता है, बहुत सारी जगह पे मेडिसिन बांटा जाता है, मेडिसिन लेने के लिए लोग आते हैं। मैं लास्ट 15 ईयर्स से कैंप कर रहा हूँ। हम लोग गांव-गांव में जाके मेडिसिन बांटते, लोग मेडिसिन लेते हैं और छोड़ देते हैं, लेकिन डायग्नोसिस होना इंपॉर्टेंट रहता है। चेकअप में ये अच्छा हुआ कि डायग्नोसिस हो रहा था, डायग्नोसिस के बाद आदमी आगे कुछ ना कुछ कर सकता है। बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं था, जैसे हमने यहाँ पर डायबिटिक कैंप लिया तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि शुगर है उनको। जब चेकअप होता है तो उसमें भी 5 लोग भी हो गए तो उनको पता चल जाता है। इज अ अवेयरनेस गुड, उनका कंसेप्ट भी अच्छा था, इसलिए हमने थोड़ा सा ट्राई किया कि ये करेंगे और हम आगे भी इनके साथ काम करने के लिए तैयार है। कभी भी हमें बोला जाए या ये यूनियन की तरफ से कोई भी गरीब पेशेंट हमारे पास आता है, इन लोगों का रिक्वेस्ट रहेगा तो हम गरीब लोगों को भी सेवा के हिसाब से काम सेवा देने के लिए रेडी। आज DYFI और स्थानीय ऑटो रिक्शा चालक मालक यूनियन और सिटी जनरल हॉस्पिटल, इनके द्वारा मुफ्त शिविर आरोग्य केंद्र आज यहाँ पे आयोजित किया गया है। आज ये शिविर ये दूसरा साल है, पहला स्टेशन के पास हमने ले लिया था, इस बार हमने ना हॉस्पिटल सिटी जनरल हॉस्पिटल में लिया गया है। मुफ्त शिविर लेने का एक ही कारण है कि जिस तरह से तारापुर बीच में भी न्यूज़ में आ रहा है कि प्रदूषण में सबसे बड़े क्रमांक पे एक नंबर पे है, और भारत में नहीं तो वर्ल्ड के एक नंबर क्रमांक पे प्रदूषित एरिया हो गया है, दूषित एरिया हो गया। जिस तरह से रासायनिक, जैसे कॉम्प्लेट ने बताया कि रासायनिक है, केमिकल्स की वजह से हो रहा है, बर्निंग का हो रहा है, तो हमारा एक ही प्रयास है, हमारा एक ही पहल है, अवेयरनेस लाना, लोगों का उपचार करना, मुफ्त में जितना फ्री में हो सके उनसे जितना तक मैसेज पहुंचा सके, बाबा फ्री में आके उनको चेकअप किया जाए, आगे की सुविधा तो वो देख ही सकते। फिर हमारा एक ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल, यहाँ की जितनी भी हॉस्पिटल हमको मदद मिले, सिटी हॉस्पिटल बड़े पैमाने पे हमको आके मदद की, यहाँ की जितने डॉक्टर्स हैं उन्होंने बड़े हाथ बढ़ाकर उन्होंने कहा कि हमको हमारे पे हमारे यहाँ पे रखिए और यहाँ पे करिए करके, और हमको पूरी तरह से उन्होंने मदद की है। और ये हॉस्पिटल बड़े पैमाने पे सब डॉक्टर यहाँ पे आके आज हमको मदद कर रही है। आज या ठिकाणी सिटी जनरल हॉस्पिटल के माध्यमातून प्लस आपली रिक्षा युनियन, कामगार युनियन आणि DYFI युनियन यांच्या माध्यमातून जो काय आज इथं आरोग्य कॅम्प घेतला तो गरीब लोकांसाठी चांगला आहे, जेणेकरून गरिबांकडे पैसे नसल्या कारणाने काही लोक दवाखान्यातनं जाता बाहेर राहत आहेत, परंतु हे एक DYFI संघटना, ही युनियन, ही जेणेकरून लोकांना प्रभावित करते की दवाखान्यात गेल्याशिवाय पर्याय नाही। या दृष्टिकोनातून सर्व डॉक्टर्स आणि नर्स यांनी चांगल्या पद्धतीने लोकांना प्रतिसाद दिला आणि चांगल्या पद्धतीने त्यांना प्रतिसाद घेऊन लोकांना औषध उपचार पण केले, ह्याच्या माध्यमातून जेणेकरून जनतेमध्ये प्रचार होईल। काही संघटना ज्या आहेत ते गरिबांसाठी पण करतायत आणि श्रीमंतासाठी पण करतायत, पण गरीब लोकांना जेणेकरून पैसे नसल्या कारणाने मोफतसुद्धा सुविधा दिली जाते, अशा पद्धतीने ही एक
संघटना आहे, संघटनेचे ज्या युनियन्स आहे या सगळ्या लोकांसाठी चांगलं काम करत आहे. अशाच पद्धतीने जर एखादा आरोग्याचा कॅम्प पुढच्या काळामध्ये जर खेड्यावर घेतला तर खेड्यावरच्या लोकांना सुद्धा त्याचा चांगला फायदा होईल या दृष्टिकोनातून हे जेणेकरून ही लोकांसाठी सुरुवात केलेली आहे. याच्या पुढे कुठल्या एखाद्या खेड्यावर जाऊन सुद्धा हा कॅम्प घेतला जाईल आणि त्याच्या माध्यमातून हे सगळं, कारण आज भारताचा स्वातंत्र्य दिन आहे, त्या स्वातंत्र्य दिनापासूनच सुरुवात केली, जेणेकरून डी वाय फाय संघटना ही एक महाराष्ट्राची एकमेव अशी संघटना आहे की देशामध्ये एक नंबरची संघटना. आणि हे संघटनेचं ज्याला आम्ही आधारस्तंभ, ज्याला आम्ही एक संघटनेचा कार्यानुभव म्हणतो, तो शहीद भगतसिंग देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी 23व्या वर्षी शहीद झाले, त्याचंच माध्यम घेऊन आजच्या घडीला ह्या ठिकाणी ज्या MIDC एरिया आहे, MIDC एरियामध्ये आरोग्याचा भरमसाठ प्रादुर्भाव होतो आणि वेगवेगळ्या रासायनिक कंपन्या आहेत त्याच्या माध्यमातून लोकांना कॅन्सरसारखा आजार होतोय, त्याच्यानंतर खोकला सर्दी हे होतोय, तर त्याच्यावर कुठल्याही प्रकारचा दवा उपचार मिळत नसल्या कारणाने जेणेकरून जसा स्वातंत्र्यासाठी शहीद भगतसिंग लढले त्याच पद्धतीने आजचा जो दिवस आहे हा दिवस त्या लोकांसाठी सुद्धा आहे का आजच्या घडीला आम्हाला असे मरण्यापेक्षा काहीतरी औषध उपचार केला ना त्याच्यातून जर चांगली केली तर पुढच्या भवितव्यासाठी इथली जनता ही चांगल्या पद्धतीने राहील. ह्या माध्यमातून हे सगळं कॅम्प घेण्यात येत आहे आणि अशाच माध्यमातून सर्व लोकांना एकत्रित करून पुढच्या रणनीतीसाठी या ठिकाणचे जे सगळं प्रदूषण आहे हे घालवण्यासाठी सुद्धा DYFY संघटना, त्याचबरोबर रिक्षा युनियन, त्याचबरोबर कामगार युनियन ही पुढे सातत्याने लढत राहील. एका स्थानिक ऑटो रिक्षा चालक मालक युनियन DYFY C2 स्थानिक माथाडी जनरल कामगार युनियन इनके तरफ से स्वतंत्र दिन के हार्दिक शुभकामनाएं, तहे दिल से पूरे भारतवर्ष को स्वतंत्र दिन के हार्दिक शुभकामनाएं हम इनके. या फ्री मेडिकल चेकअप रखा हुआ है सिटी जनरल हॉस्पिटल में, गई साल भी हम लोग ने रखा था स्टेशन के ऊपर, इस साल हम लोग को सिटी जनरल हॉस्पिटल ने बोला कि हमारे यहाँ रखिए, इनका सहयोग के साथ हम लोग ने यहाँ रखा. हेल्का न्यूज़ इंडिया, सच्ची पत्रकारिता.